सो नाउ वी विल डिस्कस एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट्स पहले तो क्या है वो मैंने ओवर भी दे दिया था एट्रीब्यूट दैट मीन अगर किसी भी एंटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो जितने ज्यादा एट्रीब्यूट्स हम देंगे उतना ज्यादा अच्छे से हम वो एंटिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं लास्ट एग्जाम्पल में हमने स्टूडेंट का स्कीमा लिया था नाउ स्टूडेंट के स्कीमा में अगर मैं सिर्फ नेम रखता हूं तो मुझे सिर्फ स्टूडेंट के बारे में सिर्फ नेम ही पता चलेगा लेकिन अगर मैं उसके बारे में एड्रेस फोन नंबर एज इस तरह के एट्रीब्यूट्स मैं ऐड करता हूं तो मुझे उसके बारे में ज्यादा डिटेल में पता चलेगा तो ये जो होते हैं वो सब एट्रीब्यूट्स होते हैं ओके okay, अब एट्रीब्यूट्स सिर्फ एक तरह का नहीं आता है उसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आते हैं तो वन बाय वन सारे एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करेंगे ओके सो फर्स्ट एट्रीब्यूट हम जिसको बोलेंगे वो है कॉम्पोजेंट एट्रीब्यूट कॉम्पोजाइट so, एट्रीब्यूट क्या होता है अगर हम नेम की बात करें तो जो भी एट्रीब्यूट को हम ब्रेक कर सके उसके पार्ट्स में तो उसको हम बोलेंगे कॉम्पोजाइट एट्रीब्यूट किस तरह से नेम को हम अगर ब्रेक करते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट हो जाते हैं जैसे कि फर्स्ट नेम मिडल नेम एंड लास्ट नेम ओके अब ये आगे ब्रेक नहीं होंगे लेकिन नेम जो है वो ब्रेक हो गया तो नेम क्या है हमारा कॉम्पोजाइट एट्रीब्यूट है लेकिन अब जो ब्रेक नहीं हो सकता है उसको हम क्या बोलेंगे तो उसको हम बोलेंगे सिंपल एट्रीब्यूट ओके पे मैं सामने लिखूंगा सिंपल एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट दैट जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं एंड सिंपल मीन उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते सिंपल एक ही है जैसे कि एज एज को हम डिवाइड नहीं कर सकते एज एक ही एट्रीब्यूट है उसमें एक ही वैल्यू आएगी एंड सिंपल तो उसको हम सिंपल एट्रीब्यूट में काउंट करेंगे ओके नाउ द नेक्स्ट इज सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड ओके सिंगल वैल्यूड डेट्रीब्यूट एंड मल्टी वैल्यूड डेट्रीब्यूट तो एज मैंने कहा कि अगर सपोज मान लीजिए कि एक फोन नंबर है स्टूडेंट का अब फोन नंबर हो सकता है दो फोन नंबर एक गुजरात स्टेट का होगा और एक महाराष्ट्र का होगा तो दो फोन नंबर्स अगर वो यूज करता है जो भी स्टूडेंट है तो ये जो फोन नंबर वाला एट्रीब्यूट है उसको हम बोलेंगे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्योंकि उसमें दो मोर देन वैल्यू है है इसलिए हम उसको मल्टी वैल्यूड वैल्यूड बोलेंगे एंड सिंगल दैट सिर्फ एक ही वैल्यू वैल्यू उससे ज्यादा नहीं होगी तो अगेन हम एज को ही एग्जाम्पल कि वो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है ओके सो एंड मल्टी वैल्यूड में हो सकता है एड्रेस भी आ सकता है लाइक ऑफिस एड्रेस रेजिडेंशियल एड्रेस इस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं तो ये एक लाइक like, हो सक कह सकते हैं मल्टी वैल्यूड पॉसिबिलिटी है ओके एंड थर्ड टाइप ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आई कैन से ये ग्रुप्स है ओके कंपोजिट एंड सिंपल सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड एंड द नेक्स्ट इज स्टोर्ड एंड डिराइव्ड नाउ स्टोर्ड एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होते हैं स्टोर्ड मीन जिसको हम स्टोर करके रखते हैं एंड डिराइव्ड मीन जो स्टोर किए हुए एट्रीब्यूट्स है उसमें से हम डेराइव करेंगे जैसे कि अगर मान लीजिए स्टूडेंट ने अगर डेट ऑफ बर्थ भी डिस्क्राइब किया है तो डेट ऑफ बर्थ को हम स्टोर करेंगे लेकिन उसके ऊपर से हम एज को डेराइव कर सकते हैं तो यहां पे डेट ऑफ बर्थ को मैं स्टोर करूंगा इसलिए वो स्टोर एट्रीब्यूट में जाएगा लेकिन एज की मैं कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं करूंगा तो एज को मैं काउंट करूंगा एज अ डिराइव एट्रीब्यूट वो हर बार डेट ऑफ बर्थ में से डिराइव होगा और वैल्यू अपडेट होगी 18 इयर्स, 19 इयर्स एंड ऑल इस तरह से कभी भी स्टैटिक वैल्यू इसकी स्टोर्ड वैल्यू नहीं होगी ओके सो स्टोर्ड एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट एंड द लास्ट इज कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट अब कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट से पहले एक मैं नोट डाउन करने जैसे इंफॉर्मेशन देता हूं कि यहाँ पे हो सकता है कि अगर नेम जो है वो कॉम्पोजाइट एट्रीब्यूट है तो देर कैन भी वो ऐसा भी हो सकता है कि वो सिंपल एट्रीब्यूट भी है और एड्रेस जो है वो मल्टी वैल्यूड भी हो सकता है सिंगल वैल्यूड भी हो सकता है एंड एड्रेस कॉम्पोजाइट भी होगा एड्रेस कॉम्पोजाइट किस तरह से होगा अगर हम एड्रेस को देखें तो एड्रेस में होगा स्ट्रीट नेम एड्रेस लाइन वन एड्रेस लाइन टू पिन कोड सिटी एंड ऑल तो ये क्या है ये ब्रेक हो रहा है एड्रेस तो यह है कॉम्पोजाइट एट्रीब्यूट तो एड्रेस की पॉसिबिलिटी क्या होगी वो कॉम्पोजाइट एट्रीब्यूट भी होगा और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट भी होगा ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है यानी कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है अगर ये सिंपल है तो ये सिंपल एट्रीब्यूट ही होगा हर बार ऐसा जरूरी नहीं है ओके नाउ फोन नंबर तो फोन नंबर भी मल्टी वैल्यूड एंड कॉम्पोजाइट एट्रीब्यूट फोन नंबर में एक फर्स्ट होता है कंट्री कोड एंड नेक्स्ट होता है जो भी कंपनी कोड इस तरह से ब्रेक करते हैं तो वो भी कॉम्पोजाइट एट्रीब्यूट होगा एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट भी है नाउ टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट तो कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट अगर मैं सिंपल वे में बताऊं तो कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट को कह सकते हो अगर कोई भी एट्रीब्यूट कॉम्पोजाइट है प्लस वो एट्रीब्यूट वैल्यूड भी है

वो दो जगह पर रहता है तो वैल्यू दो होगी एड्रेस की एक ब्रांच हेडक्वार्ट एंड एड्रेस ऑलरेडी कॉम्पोजिट है तो ये जो होगा उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट यानी कि उसका आंसर आएगा कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट डोंट कंफ्यूज ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना है इस, इसी तरह से स्टूडेंट की बात करेंगे तो स्टूडेंट के पास दो फोन नंबर है तो फोन नंबर को किस एट्रीब्यूट में हम किस टाइप के एट्रीब्यूट में काउंट करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन सिंपल होते हैं जस्ट आपको थोड़ा सोचना है एंड यू हैव टू आंसर ओके सो आई होप आपको ये एट्रीब्यूट समझ में आ गए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर किसी भी तरह के डाउट्स है रिलेटेड टू एट्रीब्यूट तो आप कमेंट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल